पहले तो आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि ऑडियंस का इतना सारा प्यार आप लोगों को मिल रहा है एंड लोग इतना पसंद कर रहे हैं इस शो को. तो वेरी फर्स्टली आई वॉन्ट टू आस्क प्रविष्ट कि जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई थी तो आपको आपने सोचा था कि दिस शो विल बी दिस हिट, लोग इतना प्यार देंगे, अनिरुद्ध से इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे? So very honestly, when we get the script, we don't get the entire script. It's just one audition which we get to know, and then us audition ke base pe you maybe do a mock shoot and then you join shooting. So you don't know much about the character. You don't know much about how the character goes. You don't know much about how the story goes. But I was just very happy to play such a primary character. Very honestly, like primarily ye tha ki arey. I'm just playing a very primary character, and that's fun. That was one thing. And the second thing was that Shurvati Dor mein and during the audition and mock show, I understood ki this character, Aniruddha Chaudhary, he emotes whatever he feels, and he feels everything. He feels joy, he feels pleasure, he feels sadness, he feels depression, he feels anger, and all beyond what generally people express. So that was one very rejoicing thing and very satisfying thing. Yeah, I'll get to portray so many emotions. Yeah. And eventually I just portray all of them. So I'm very happy. Yeah. So Achal, I want to know ki jab pehle din aap set pe aaye, kyunki Aura jab ye role play kar rahi thi to unhone is role ko ek alag mukam pe laake khada kar diya और लोगों ने उनको बहुत ही ज्यादा प्यार दिया. और अब आप इस शो को कर रही हैं तो ये आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है. एक रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब एक तो कोई किरदार इतना आगे बढ़ चुका होता है ना, यू हैव प्लेड द रोल ऑफ ग्रोन अप बॉन्डेटा. तो ये रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, और साथ ही में कि पहले दिन आपका स्वागत कैसे हुआ सेट पे, आपने कितनी मस्ती करी, कितना मजा आ रहा है शूटिंग के वक्त, ये बताइए. जैसे कि आपने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत चैलेंजिंग है. अगर मैं ये सब सोचती तो मे भी शायद मैं शूट नहीं कर पाती, मे भी मैं वैसा नहीं कर पाती, वैसा प्रोडक्ट निकल के नहीं आता अगर मैं ये सब चीजें सोचती तो. हाँ, जब ये मुझे इसके लिए ऑडिशन आया था तब मैंने ये सोचा था कि ऐसा कुछ होगा करके. बट द डे आई स्टार्टेड शूट मैंने सोचा कि नहीं, जो भी है बस मुझे. एंड ऑल्सो वहां पे सेट पे ऐसा एनवायरमेंट ही नहीं था कि मुझे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये करनी है, कोई बहुत चैलेंजिंग रोल करना है. बहुत ही नॉर्मल चीज था कि लीड शो में दैट्स द सेम कैरेक्टर, थोड़ा सा मे बी मैच्योर, थोड़ा सा डिफरेंट, बट दैट्स द सेम कैरेक्टर. तो इतना ज्यादा एनवायरमेंट ही इतना ज्यादा अच्छा था कि मुझे ये सब चीजें सोचने में ये नहीं हुआ. बट एंड कैसा रिस्पॉन्स आया मैंने नहीं सोचा, इसीलिए रिस्पॉन्स आया. And welcome, बहुत अच्छा हुआ सेट पे. फर्स्ट डे डायरेक्टर सर आए थे मुझे लेने के लिए, चलो हमारी न्यू हीरोइन एंड सब चीजें हुई है. एंड एज प्रवेश थे, बहुत ही खूबसूरत क्लास थे वो, एंड बहुत ही वार्मली वेलकम हुआ. I heard that story of flowers कि उन्होंने वहाँ सेट से फ्लावर्स उठा के आपको दिए और थोड़ी देर बाद फ्लावर्स आपके पास से चले गए. मैं फ्लावर्स खरीद के इतना मतलब मुझे जताना नहीं पसंद, पर मुझे बताना पड़ रहा है कि मैंने फ्लावर्स खरीद के लाए थे वो बुके, it had white and pink roses, और फिर मैंने जाके आचल को दिया, और फिर मैं जस्ट सीन के लिए गया ही था बाहर, और बाहर मुझे मैंने सुना कि कोई सेटिंग दादा को डांट पड़ रही है, प्रॉप डिपार्टमेंट में किसी को डांट पड़ रही है कि तुमने फूल क्यों नहीं मंगाए, अब शूट नहीं रुक जाए. मैंने सोचा कि किसी को डांट ना पड़े, क्यों मतलब बेचारा डांट खाए और क्यों शूटिंग रुके, मतलब आई नेवर वांट की शूटिंग रुके, मतलब हमारे प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं होना चाहिए. एंड दैट्स द ओनली रीजन आई सेड लिसन आई थिंक आई कैन हेल्प यू ऑल आउट विद दिस. मैंने अभी कुछ समय पहले आंसर को दिया है. Just ask her if she's okay giving it for some time. आजिल आपको कितना परेशान करती है, क्योंकि छोटी मोनिता ने तो आपको बहुत परेशान किया है, बहुत नटखट थी वो, तो ये आपको किस तरीके से छेड़ती है और किस तरीके से आपकी मैं ऑफ स्क्रीन की. अच्छा, अब देखो जैसे जब मैं एक गाना है ना, जब मैं छोटा बच्चा था मैं बड़ी शरारत करता था, अब जो मैं बड़ा हो गया और बड़ी शरारत करता हूँ. Yeah. बस वही है, जब छोटी थी तो बड़ी शरारत करती,
अब जब और बड़ी हो गई है तो और बड़ी शरारतें करती है, डांट जैसे औरा खिलवाती थी वैसे ही आंचल भी डांट खिलवाती है, एंड हसाना और सब कुछ सेम है और एक लेवल ऊपर ही है, बिकॉज नाउ शी इज ग्रोन, तो ज्यादा आ गई है, ज्यादा समझदारी से डांट खिलवाई जा सकती है, फंसाया जा सकता है। तो आजकल कितनी मजा आ रही है आपको शूटिंग में, क्या मतलब क्या बॉन्ड रहा है आपका प्रवेश के साथ ऑफ स्क्रीन, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा नया माहौल है, अचानक से ये एक नए सेट पे आई हैं आप, तो प्रवेश से कैसी बॉन्डिंग हुई है आपकी इतने टाइम तक में? मुझे लगा कि ये नया माहौल होगा, सब चीजें बहुत नई होगी, मुझे यहाँ पे ढलने में घुलने में बहुत टाइम लगेगा, बट चीजें इसकी पूरी ऑपोजिट हुई। जैसे मैंने शूट करना स्टार्ट किया, मैं मुझे नहीं समझ आया मैं कैसे सबसे बॉन्ड हो गई है, चीजें बहुत ही ज्यादा, तो फैमिली लाइक एनवायरमेंट होता है, सब परिवार जैसा लगता है, तो और बहुत अच्छा फर्स्ट डे से। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, एक्चुअली वी हैव सो मच लेस टाइम टू कम्युनिकेट, बट आई थिंक वी विल टॉक अगेन, सो फॉर ऑल द बेस्ट आगे के एपिसोड्स के लिए, अच्छे से शूट करिए एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, बाय, थैंक यू फॉर हैविंग अस, थैंक बाय।